While watching this movie, I was like, wait a minute, I have seen this before, or it's just my deja vu. कड़क वर्ड सुन के ना मुझे हेरा फेरी का मीम याद आता है बट अपार्ट फ्रॉम दिस कड़क इज फॉलोइंग सुनील जिसके घर पर एक आदमी आता है और सुसाइड कर लेता है अब सुनील इस मर्डर को कैसे छुपाता है और कैसे एक्सपोज करता है वो आपको डेढ़ घंटे की मूवी सोने लिफ पर देखकर पता चलेगा सो so, जैसा कि मैं हमेशा से कहते हुए आया हूँ कि पीपल आर द वर्स थिंग इवन दे आर वर्स देन गोस्ट और ऐसा ही इस मूवी का आस्पेक्ट भी है कि देखो इंसान कितना ज्यादा बद बत से बदतर जा सकता है पर सही बताऊ ना ये चीज सिर्फ मुझे शुरुआत के सात मिनट और आखिरी के सात मिनट में ही फील हुई है बाकी के पूरे टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कॉन्टेक्स्ट पे प्ले ही नहीं कर रहे हैं एंड आई लिटरली लाइक चीटेड सही बताऊँ तो जब मैंने इस मूवी का पोस्टर देखा था तो आई वॉज लिटरली पम्प्ड की इस मूवी में रनवीर शोरे एंड आई लिटरली एडमायर हिम और मुझे लगा था कि इट वॉज गोइंग टू फन वॉचिंग दिस मूवी बट मूवी को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि यार छोड़ दे तू डिप्रेस हो जाएगा और जो तेरी एक्सपेक्टेशन है वो मीट नहीं होने वाली है ऑल दो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बेकार था या वो इस मूवी में सेटिस्फैक्ट्री नहीं थे बट मैं सही बताऊँ तो वो टाइम टू टाइम हमें ह्यूमर और सटायर का डोज दे रहे थे और साथ ही उनका जो फ्रस्ट्रेशन था और जो ह्यूमिलिएशन uh, था वो भी हमें दिख रहा था स्क्रीन पर और उसके साथ जो भी हेलुसिनेशन हेजिटेशन जो उनके साथ हो रहा था वो सब कुछ आप फील करेंगे लेकिन वो चीज़ मूवी में निकल के आ नहीं पा रही थी मुझे बहुत सारे टाइम पर ऐसा लग रहा था कि जो मूवी का कॉन्सेप्ट है उससे हम बहुत ज्यादा दूर भाग रहे हैं मूवी का जो नैरेटिव है वो कंप्लीटली लॉस्ट है वो एक चीज को लेकर फोकस नहीं है क्योंकि वो बार बार नए नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं फिर उनके बारे में हमें थोड़ा पता चलता है एंड दे वर लाइक ओके आई एम गोइंग बाय बाय जिससे कि जो मेरा कनेक्शन था वो बार बार ब्रेक हो रहा था बट हां यहाँ पे जो पार्टी का माहौल स्टैब्लिश किया गया और वहां पे जो करेक्टर्स है वो मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे क्योंकि वहां पे जो करेक्टर्स हमें दिखाए गए हैं वो कहीं ना कहीं हमने अपने रियल लाइफ में देखा है कि वो आते हैं वो ऐसी चीजें करते हैं कुछ हरकतें होती हैं उसकी वजह से पार्टी खराब हो जाती है एंड दे जस्ट लीव एंड उसके बाद हम इधर गम बना रहे होते हैं बट जो इस मूवी का मिस्ट्री का जो मोल्ड है ना वो इस चीज में फिट नहीं बैठ रहा था मेरे अकॉर्डिंग टू बी ऑनेस्ट कुछ टाइम पर मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कॉन्वर्जेशन को रोक देना चाहिए था लेकिन वहां पे जो कॉन्वर्जेशन है वो बस स्ट्रेच करी जा रही है उसको ओवर एग्जेजरेट करके हमें दिखाया जा रहा है बार बार और जो फिर एंड में हुआ इट वॉज आई डोंट नो वॉट आई से वो सेटिस्फाइड था या नहीं क्योंकि वहाँ पे ब्रेकिंग बैड की बात चल रही थी एंड आई वॉज लाइक ओके okay, यहाँ पे बस ब्रेकिंग बैड वाला सीन ना हो लेकिन वो होता नहीं है मूवी में कुछ चीज़ें हैं जो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके पास रैंडमली थ्रो की जाती हैं जो कि एक बढ़िया साइन है इस मूवी का एंड आई ऑल्सो लाइक द पार्ट जहाँ पे जो करेक्टर्स हैं वो इनडायरेक्टली चीजों को रिवील कर रहे हैं कि हाँ यू शुड नो अबाउट दिस ऑल्सो बट जो मेरा मेजर इस मूवी का प्रॉब्लम था वो ये था कि जो इसका बैकग्राउंड स्कोर था वो काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग था एंड प्रोडक्शन फॉल्ट्स की तो मैं बात ही नहीं करूंगा वो आपको मूवी में देखते हुए पता चल जाएगा इसके अलावा डायरेक्शन वाज आल्सो फाइन एंड बाय नोटिसिंग ऑल दैट आई एम गोइंग टू से घड़क इज टाइम पास है बाबा और हाँ मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे कि मैंने परफॉर्मेंस की बात क्यों नहीं की तो मैंने जान के नहीं किया क्योंकि इस मूवी में सारे के सारे कलाकार थे एंड अगर आपने ये मूवी देख ली है तो डू लेट मी नो योर थॉट्स इन कॉमेंट सेक्शन एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल